सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें, फिलहाल वो लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में दाखिल हैं। उन्नाव पीड़िता और उनके वकील का अमेरिकन बुलेटिन भी जारी हो गया है और इसमें कहा गया है कि दोनों की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। पीड़िता की हालत में सुधार आया है। वकील बिना वेंटिलेटर सपोर्ट के सांस ले रहे हैं लेकिन कोमा में है। जानकारी देते हैं आप सभी को, उन्नाव दुष्कर्म कांड के मुख्य आरोपी और भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने पीड़िता से रायबरेली में हुए हादसे मामले में रविवार को विधायक सेंगर और साथ ही अन्य आरोपियों के उन्नाव, लखनऊ, फतेहपुर और बांदा में 17 ठिकानों पर छापे मारे। साथ ही जांच एजेंसी ने सेंगर के कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाशी ली। बता दें आपको कि टीम ने सेंगर के लखनऊ में बहुखंडी स्थित सरकारी आवास के लिए, इंदिरा नगर स्थित निजी आवास और गोमती नगर में रहने वाले सेंगर के एक रिश्तेदार के यहाँ छापा मारकर तलाशी ली और कुछ अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे जिन्हें वो अपने साथ ले गए। साथ ही साथ ये भी बता दें कि उन्नाव में सेंगर के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरों का रुख शनिवार को पीड़िता के घर की ओर से था और सीबीआई जांच करने पहुंची तो उसने विधायक के घर से सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग कब्जे में ली। एसपी9 न्यूज से अजय की रिपोर्ट।